हाय फ्रेंड्स, मैं आशु भारद्वाज, आपका अपना वीज़ा एडवाइज़र। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी तरफ से नई एडवाइस जो है आपके लिए आती है। और आज की वीडियो बहुत जल्दी आई है मेरी, 3 दिन के बाद मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2018 को। तो क्योंकि मुझे जो लोगों के फ़ोन आए, काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आए, तो पता चला कि उनको ये बड़ी कन्फ्यूज़न है कि जिन्होंने मतलब 1, 2 नंबर या 3 नंबर में फ़ाइल लगानी है या 15 दिन के अंदर फ़ाइल लगानी है, वो बेचारे परेशान है कि सर बायोमेट्रिक कब शुरू हो रही है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, उनके कहे अनुसार यूट्यूब पे वीडियो आ रही है कि सर 2 तारीख को शुरू हो रही है, 3 को शुरू हो रही है, पता नहीं है पूरा स्टेटस क्या है। एक्चुअली ये चैनल आपको बिल्कुल मतलब साफ क्लियरिटी बात बताता है, एज़ पर इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग ही, जो इमिग्रेशन cic.immigration वेबसाइट है, www.canada.cic जो वेबसाइट है, उसके माध्यम से बात करता है। हमारे चैनल में कोई भी अपनी तरफ से पॉइंट नहीं जोड़ा जाता है, हम एक्चुअल में वही क्लियरिटी लेके आते हैं जो वेबसाइट में दी जाती है। तो आज की वीडियो मेरी उसी वेबसाइट के माध्यम से बनाई गई है। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बायोमेट्रिक कब शुरू हो रही है, ये मेरी सोच नहीं है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। कल इमिग्रेशन अगर हमने मतलब स्टेटमेंट चेंज कर दे कि नहीं वो कल से शुरू कर दे, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है जो बोल रहे हैं कि 2 तारीख या 3, एवरीवन इज़ समझ सकते हो आप झूठ है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बात डिक्लेयर नहीं हुई है, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी डिक्लेयर नहीं हुई है कि कब शुरू हो रही है। जो 1 तारीख बांधी गई है वही सेम वहाँ पे आज भी आ रही है। मैंने आज वीडियो बनाई है तो मैंने वहीं से रीड करके पूरी प्रॉपर वीडियो जो मेरी हिंदी इंग्लिश में आती है वो आई है। और मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि बायोमेट्रिक की वैलिडिटी कितनी होती है, मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि बायोमेट्रिक का, और बताऊँगा भी गवर्नमेंट इमिग्रेशन कैनेडा के लेटर के ऊपर बताऊँगा कि उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, और ये भी बताऊंगा कि उसका कितना पीरियड जो है एक्सपायरी के बाद आप दोबारा करवाओगे। ये भी बताऊंगा कि वो लेटर कैसे होता है, क्योंकि पहले वीज़ा लगता था तो रिफ्यूज़ल लेटर नहीं आता था, क्योंकि कोई लेटर नहीं था, वीज़ा लग के आ जाता था। अब वीज़ा लगेगा या ना लगेगा, लेकिन एक आपको लेटर बायोमेट्रिक का लेटर ज़रूर मिलेगा, जो एक रिफ्यूज़ल की तरह होता है, जो रिफ्यूज़ल लेटर होता है सेम वैसा आता है, उस पर भी आपका UCI नंबर जनरेट होगा, उसमें आपकी वैलिडिटी लिखी होगी कि आपकी बायोमेट्रिक कब तक वैलिड है। आज आपको मैं वही गवर्नमेंट का कनाडा इमिग्रेशन का लेटर भी इस वीडियो में शो करूंगा, और उसको आप देखोगे वो एज ए इमिग्रेशन से ही दिया गया लेटर है, मेरे फ्रेंड का है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड का है मेरा, तो वो प्राइवेसी हाइंड है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि कनाडा की बायोमेट्रिक शुरू होती है तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, कब से शुरू होगी, और उसके क्या मतलब अमाउंट होगी, और आप किन किन वीज़ाओं के ऊपर वो मतलब बायोमेट्रिक शुरू होगी, और किस किस वीज़ा को वो लेनी पड़ेगी, और किस कंट्री के लिए वो नहीं लगेगी, वो आज मैं आपको बताऊंगा। चलो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो है एक बना के रखते हैं, देखिए सबसे पहले उन्हें अपने फिंगरप्रिंट और फोटो बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत है जिन्होंने आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन लगानी है। सबसे पहले विजिटर वीज़ा आएगा, वर्क और स्टडी परमिट, तो जो अमेरिकन नागरिकों को छोड़ के, अमेरिकन नागरिकों को ये ज़रूरी नहीं है, तो उनको छोड़ के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी बायोमेट्रिक लगेगी। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि रिफ्यूज़ी और SLM का केस क्या होता है, SLM किसको बोलते हैं, SLM वीज़ा कौन है, SLM फाइल कौन है, ये मतलब किसी को नहीं बोलूँगा, काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारे भाई बहन कि उनको पता नहीं है, उनको सिर्फ एक बात पता है, PR लगवानी है, विजिटर लगवाना है, स्टडी लगवाना है, वर्क लगवाना है, ये चीज़ें पता है, लेकिन रिफ्यूज़ी और SLM का केस क्या होता है, कौन सा स्टेटस उसको क्या बोलते हैं, सर रेडी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज़ करो मैं इंडिया में बैठूँ, इंडिया की बात करता हूँ, मुझे इंडिया में मेरी जान को ख़तरा है और मुझे कनाडा का वीज़ा मिल जाता है, मैं कनाडा चला जाता हूँ, मैं कनाडा में SLM का केस डाल सकता हूँ कि मुझे इंडिया में मेरी जान को ख़तरा है और मैं इंडिया नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर स्टे दी जाए, मतलब वो अपील करता है कोर्ट में और केस लगाता है एडवोकेट के थ्रू, उसको SLM का केस कहते हैं, लेकिन अब उसको भी बायोमेट्रिक देनी होगी, अनिवार्य है। यदि आपके पास एक विदेशी पासपोर्ट है, विदेशी पासपोर्ट मीन कि आप इंडिया के रहने वाले हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, और आपका मतलब वहाँ से पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा, तो वहाँ से आपने इशू कराया, इशू करने का देश, इशूज ऑफ कंट्री, कि आपका पासपोर्ट कौन सी कंट्री से इशू हो रहा है, क्योंकि अगर आप दुबई, कनाडा, अमेरिका कहीं भी गए और इंडियन पासपोर्ट आपके पास और आप पासपोर्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, तो आप जिस भी कंट्री में हो उस कंट्री के इंडियन एम्बेसी में जाके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, तो वहाँ भी आपको बायोमेट्रिक देनी होगी। अब बायोमेट्रिक जो इंडियन मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट जो इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग जो इनकी वेबसाइट पे www.cic.gc.ca/english/visit/biometric.asp पर आप जाओगे,
तो वहाँ पे साफ और स्पष्ट लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि 31 जुलाई से यूरोप मध्य पूर्व अफ्रीका के लिए था और 31 दिसंबर 2018 से एशिया एशिया पब्लिक ऑफ अमेरिकन, ऐसे मतलब ये लिखा हुआ है। तो एशिया जो है मतलब हमारा इंडिया जो है, इंडिया को 31 तारीख से बायोमेट्रिक शुरू की गई है। मैं फिर आपको एक बार बताना चाहूँगा कि बायोमेट्रिक का कल केस अगर चेंज हो जाए तो उसमें आशु भारद्वाज वीज़ा एडवाइज़र की कोई मिस्टेक नहीं है, बिकॉज वो लोग कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन एज़ पर वेबसाइट के माध्यम से हम पढ़े तो 31 दिसंबर ही डेट दी गई है, उससे पहले अभी तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं की गई है कि 2 नवंबर से बायोमेट्रिक शुरू हो रही है। तो प्लीज़ इस बात पे थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिन जिन्होंने फाइलें लगानी है वो लगा सकते हैं। आगे हम करते हैं कि बायोमेट्रिक की एक्सपायरी क्या है। देखिए, आप बायोमेट्रिक करवाते हैं उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो 10 साल की होती है, 10 सालों तक वो वैलिड होती है। ये मैं आपको अब इमिग्रेशन के खुद के पन्ने के ऊपर लेटर हेड मतलब उसकी दिए हुए लेटर के ऊपर बताऊँगा कि कैसे आपको पता चलेगा। तो उसकी 10 साल की अवधि है, अगर 10 साल के बीच में अगर आप 5 बार फाइल लगाते हो तो आपको बायोमेट्रिक नहीं देनी पड़ेगी, एक बार ही देनी है अपने 10 साल में, और उसकी एक्सपायरी डेट 10 साल की है। और दूसरी बात कि ये बायोमेट्रिक की जब आप जैसे बायोमेट्रिक 10 साल में अगर आपका एक्सपायर हो जाता है बायोमेट्रिक 10 साल के बाद, आपको दोबारा बायोमेट्रिक देनी पड़ेगी, जिसकी $85 जो है फीस है। पहले $100 इंडिया से लगते थे, अब $185 लगेंगे, मतलब एक किस्म की डबल फीस हो गई। लेकिन जो बायोमेट्रिक के $85 फीस है वो आपको 10 साल में एक बार पेड करनी होगी। अब बहुत से लोग होंगे कि सर ये कहाँ से पता चला, क्योंकि ये वहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेबसाइट में लिखा हुआ है वैसे, लेकिन मैं रिसेंटली 2 दिन पहले की बायोमेट्रिक दिखाऊंगा आपको जिसमें 10 साल की पीरियड लिख कर आया है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई कि इसकी कितनी अवधि है या कितने टाइम तक ये वैलिड है। वर्क परमिट, विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, इन सबको ही बायोमेट्रिक देनी होगी। अभी एज़ पर मुझे जहाँ तक CIC की वेबसाइट से पता चला था, जस्ट माई ये मेरी थिंकिंग है कि कनाडा में सिर्फ 8 ही ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ पे बायोमेट्रिक स्कैन की जाती है, एयरपोर्ट पे भी होती है। तो इसके लिए आप मतलब देख सकते हैं टूल में, वेबसाइट की टूल में भी देख सकते हैं। ये वो लेटर है, देखिए ये मेरे फ्रेंड का लेटर है, मैंने प्राइवेसी हाइड की हुई है, आप रीड कर सकते हो ऊपर ध्यान से। 29 अक्टूबर 2018 को ये लेटर इशू किया गया है कनेडियन गवर्नमेंट, कनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट के थ्रू। पहले आप क्या करते थे, जब फाइल लगाते थे अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता तो आपको ऐसा UCI नंबर जनरेट होके आता था, वो लेटर आता कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, हम सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन उससे पहले अब आपको 2 लेटर मिलेंगे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो। वीज़ा लगता है तो आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें आपका UCI नंबर जनरेट होगा, वो सेम ये लेटर आएगा सेम। और आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये 25/10/2028 तक वैलिड है। ये मेरे फ्रेंड की है, 28 अक्टूबर 2018 को उसने लगाई थी फाइल, 29 तारीख को ये बायोमेट्रिक लेटर उसको मिला है, और 25/10/2028 तक देखिए नीचे लिख रहा है डेट योर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज वैलिड यूनटल 2028/10/25। ये मतलब तब तक वैलिड है, बट आपको ये लेटर हमेशा संभाल के रखने पड़ेंगे। UCI नंबर मैंने हाइड किया हुआ है, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड तो ये लेटर आप रीड कर सकते हो। ये खुद का जो शायद काफ़ी लोगों ने अभी तक बायोमेट्रिक का लेटर नहीं देखा होगा, तो हम आपको ये लेटर पेश कर रहे हैं तो आप इसके माध्यम से भी देख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि किसी के भी मन में कोई शक नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ये चैनल आपको बिल्कुल क्लियरिटी दिखाता है। और अब बात आती है कि बायोमेट्रिक कब देना होगा आपको, किस टाइम आपको बायोमेट्रिक देनी पड़ेगी। आप केवल अपने बायोमेट्रिक्स को आपके द्वारा सबमिट किए गए एप्लीकेशन के हिस्से के रूप में ही दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा या टूर स्टडी वीज़ा जो भी ले रहे हो परमिट के लिए आवेदन करते हो यानी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो आपको अपने आवेदन को सबमिट करने से पहले बायोमेट्रिक देनी होगी। उससे पहले आपको बायोमेट्रिक देनी होगी, उसके बाद आपकी फ़ाइल सबमिट की जाएगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज जो है क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली वीडियो मेरी ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़े के ऊपर बन रही है, काम चल रहा है उसके ऊपर। एक्चुअल में जो वीडियो बनाऊंगा वो एक्चुअल में सही होगी,
कैसा खर्चा आएगा, कैसे नहीं आएगा, ऑफर लेटर कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, हर चीज़ जो है हम प्रेजेंट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज की जो वीडियो थी वो मेरी थी सिर्फ और सिर्फ वाई मैट्रिक के ऊपर। तो वाई मैट्रिक के ऊपर के क्वेश्चन आपके डाउट जो है शायद ख़त्म हो चुके होंगे। लोगों ने वीडियो डाली है कि दो नंबर को हमारे इंडिया में वाई मैट्रिक शुरू हो रही है। मुझे जिन लोगों से पता चला है, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन जिन लोगों से मुझे पता चला है, आप मैं उनसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन लोगों को दो नंबर का पता चला है वो नीचे कमेंट करें, और जिन लोगों ने मुझसे बात की है वो भी कमेंट करें कि हमने खुद बात की थी, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाने का फ़ैसला लिया। तो अगर कल एम्बेसी अपने रूल्स लॉ चेंज कर देती है तो उसमें आशु भारद्वाज वीज़ा एडवाइज़र की कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट, ये इमिग्रेशन के लॉ हैं, उनके डिसीजन है, ऑन द स्पॉट भी चेंज कर सकती है। लेकिन आज 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग मुझे यही इन्फॉर्मेशन है, प्योर साफ सुथरी, कि 31 दिसंबर 2018 के बाद ही आपकी बायोमेट्रिक शुरू की जाएगी, जिसका लेटर मैंने आपको बता दिया है कि 10 साल की वैलिडिटी होती है। एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ मैं आज की वीडियो अपनी क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ। अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। किसी की कोई इंक्वायरीज हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच।